यहाँ से नरेंद्र नगर 17 किलोमीटर है, ये शॉर्टकट है। तो जैसे ही हम जॉलीग्रांट से आगे जो जंगल आता है वहीं से थोड़ी आगे जाके लेफ्ट हैंड साइड में रास्ता कटता है, वो एक शॉर्टकट है नई टिहरी जाने के लिए। कुछ लोग कहते हैं मंजिल नहीं सफ़र ज़्यादा ज़रूरी होता है, पर जब रास्ते इतने सुहाने हों और नज़ारे इतने लुभावने हों तो सफ़र का पता ही नहीं चलता। बचपन में जब रोडवेज की बस से टिहरी जाया करते थे और नीचे देखने के लिए खिड़की से गर्दन बाहर निकालते थे तो बस के टायर्स और खाई के बीच में बस कुछ इंचों की रोड होती थी। आज वह रोड मल्टी लेन हाईवे बन चुकी है। पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय नरेंद्र नगर टिहरी, तो लास्ट टाइम की तुलना में इस समय जो रोड है वो बहुत ही अच्छी है। मतलब पहले तो बहुत टूटी रोड हुआ करती थी, यहाँ पे बहुत संकरी थी, अब बहुत अच्छी है, दिखने में भी सुंदर लग रही है क्योंकि उन्होंने पेंट कर दिया है। And if you really want to know how to reach Tehri from Dehradun in 2 hours, just take this road. और पकोड़ यहाँ से 13 किलोमीटर है। But why notice time when you can notice blue skies, green hills, and all the other good stuff? अगर आप देहरादून से टिहरी का सफर कर रहे हो तो आगरा खाल में generally गाड़ी रोकी जाती है और वहाँ पे चाय और पकोड़ों का आनंद लिया जाता है। तो बस भी वहाँ do the same thing. संतरे वाली टॉफियों की मिठास फीकी सी पड़ने के बाद किताब में चित्र वाली कहानियाँ खत्म होने के कहीं बीच में ड्राइवर एक ऐसी जगह में ला के रोकता था जहाँ खाने की महक मन मोह लेती। गाइस हम यहाँ पे मिली के फेवरेट भोजनालय आगरा खाल में जो कि है राहुल भोजनालय, वहाँ पे जाएंगे और इसका नाम चेंज जो कि अंकित स्वीट शॉप है, वो रेस्टोरेंट हो चुका है। नरेंद्र नगर और फकोट के बीच में आगरा खाल एक ऐसी ही जगह है। ब्रो वेलकम टू वो बी आर ओ जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है ना। भाई दो चाय। आगरा खाल अपनी क्षेत्रीय मिठाई सिंगौड़ी और अरसों के लिए प्रसिद्ध है, पर हमारा सबसे पसंदीदा पकवान है वहाँ की पकौड़ी। प्रोसेस्ड फूड के अलावा आगरा खाल में पहाड़ी दालें जैसे तोर गहत आदि के साथ साथ भट, जखिया और झंगोरा आदि पारंपरिक गढ़वाली उत्पाद भी मिलते हैं। तो बस निकल रहे हैं आगरा खाल से, बढ़िया था यहाँ पे, एक जो पकोड़े थे बहुत ही बढ़िया थे, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ से चंबा 32 किलोमीटर है और टिहरी जो नई टिहरी है वो 43 किलोमीटर है, तो जल्दी पहुँचेंगे। सब कुछ पहले जैसा ही तो है, बस बदल सा गया है, जगहें वही हैं, अंदाज नया है। पहले जहाँ बसें ज़्यादा दिखती थी अब वहाँ पर्सनल व्हीकल्स ही दिखते हैं। सही है या नहीं है यह तो पता नहीं है, बस यह पता है न गलत है न सही है, जो भी है दृष्टिकोण है। तो बस देखिए यहाँ से कच्चा 20 किलोमीटर है, मेरे ख्याल से देखना खाड़ी है। तो गाइस चंबा बस 1 किलोमीटर है यहाँ से, हाथ से बहुत लोग ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत बढ़िया काम किया, कूडोज टू देम, मेकिंग दिस वेरी वेरी नैरो एंड वेरी वेरी डिफिकल्ट रोड वेरी वेरी कम्फर्टेबल। और अब बहुत दूर जाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, आई मीन आई वाज एबल टू मेंटेन स्पीड ऑफ 50-55 किलोमीटर वेरी वेरी इजीली एंड विदाउट ओवर स्पीडिंग। एंड गाइस दिस इज कॉल्ड यू नो ऑप्टिमिस्टिक कर्व, क्योंकि जैसे बोला रोड अच्छी हैं वैसे ही देखिए कितनी नैरो हो चुकी हैं मेरे ख्याल से, बिकॉज टाउन आ चुका है इसलिए यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा रोड को चौड़ा करना, पर टाउन में प्रवेश कर चुके हैं। तो गाइस यहाँ से एक रास्ता मसूरी देहरादून कनौल्टी के लिए भी निकलता है, फिर वहाँ से बोलते हैं ओके, तो अगर सीधे चले जाएंगे यहाँ से मेरा तेरी लेक आएगी। और अगर विकास के दृष्टिकोण से देखें तो यह रोड विकास का अग्रदूत है, क्योंकि यह वो स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं को लेकर आएगा जिनके लिए देहरादून जाना पड़ता है, या फिर यह भी हो सकता है कि लोग इसी रोड के माध्यम से मिनटों में देहरादून से ही स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ले लें, देहरादून के स्कूलों के लिए बसें टिहरी से चलें, यानी यह एक ग्रेटर देहरादून मेट्रोपॉलिटन एरिया बनकर सामने आए। जो भी होगा बेहतरी के लिए ही होगा। दोस्तों मैं उत्तराखंड में पर्यटन तथा मोटरसाइकिलिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ,
यदि आप मेरे मौजूदा सब्सक्राइबर नहीं हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपकी प्रशंसा मुझे आगे और भी ऐसे वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करेगी। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।